गजलों के जो चाहने वाले होते हैं वो गजलों को वैसे ही प्यार करते हैं या वैसे ही कल्ट की तरह मानते हैं जैसे रॉक म्यूजिक को रॉक के चाहने वाले मानते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और गजलों में तर्ज ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, गायकी बहुत बड़ी चीज़ है, पर सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है शायरी और थॉट। वो थॉट अगर ना उसमें दम ना हो तो गज़ल कैन फॉल फ्लैट। इसलिए जो बड़े बड़े गवैये हुए हैं उन्होंने गज़लों के थॉट का बहुत ध्यान दिया है। हालांकि ये जैसे मेहंदी साहब ने तो गीत भी गाया जैसे प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना तू मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले ने। Song in the entire world. कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है वो जो अपना था वो ही और किसी का क्यों है यही दुनिया है तो फिर ऐसे ये दुनिया क्यों है यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ लें दामन उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई एक लुटे घर पे दिया करता है दस तक कोई आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है
मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है यही होता है तो आखिर यही होता